हेलो फ्रेंड्स, आपके मनपसंद चैनल खाने जामा मस्जिद में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सेम की फलियां। सेमे की फलियां होती हैं ये और आलू। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम सेमे की फलियां। ये लंबी लंबी होती हैं, उन्हें हम छील के हमने इनको काट लिया है इस तरह से। और ये चार आलू हैं छोटे, ये काट छील के मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिए हैं। ये चार छोटे छोटे टमाटर हैं, इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी लिए और 1.5 चम्मच नमक लिया है। ये भगार के लिए कुछ चीजें, साबुत लाल मिर्ची है चार और 8-10 जवे लहसुन के छील के बारीक बारीक काट लिए। और ये जीरा है और 1 कप तेल है। तो सबसे पहले हम ये तेल कढ़ाई गरम कढ़ाई में डाल के और इसे आलू फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो जाए तो इसमें आलू डाल के हम थोड़े से फ्राई करेंगे। ये तेल हमारा गरम हुआ है, इसमें थोड़ा सा आलू डाल के हम ये थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू हल्के से फ्राई हो गए हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ हल्के से फ्राई करने हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसी तेल में सबसे पहले हम ये मिर्चे फ्राई करेंगे। हमारी मिर्चे फ्राई हो गई हैं, अब इनको निकाल लेंगे। ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है, आप बस इनको ऐसे निकाल लीजिए इसी पैन में। अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे। जब ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा जीरा डालेंगे। अब ये गोल्डन हो गया थोड़ा सा, इसमें जीरा डाल देंगे। अब जीरे के साथ और थोड़ा गोल्डन डालेंगे। अब ये गोल्डन होने वाला है तो इसमें थोड़ी हींग डालिए, हींग जरूरी है इसमें डालनी, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये जो हमने टमाटर हल्दी और नमक था ये डाल लेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा भूलेंगे, थोड़ा सा टमाटर गला लेंगे। ये हमारी साबुत लाल मिर्ची करारी हो गई है, इनको हम तोड़ लेंगे। जो वैसे साबुत नहीं डालेंगे, इनको हम तोड़ के डालेंगे। क्रश कर लिए हैं, ये क्रश करके डालेंगे। अभी टमाटर हमारे थोड़े से मुलायम हो गए, इसको सेमे डाल देंगे। सेमे डाल के चला लेंगे। इसमें ये तले हुए साफ तले हुए आलू डाल देंगे। इनके आलू का भी पानी निकला, पूरे फ्राई नहीं है, इसलिए हाफ फ्राई में पानी निकलता है। हाफ फ्राई आलू मैंने इसलिए करे हैं कि ताकि ये इसमें पूरे फुल फ्राई नहीं करे, बाकी के इसमें गल जाएंगे। और ये साबुत लाल मिर्च जो है ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको हम सब चीजों को मिला के हम हल्की आंच पर पकने रख देंगे बिना पानी के। इसका पानी निकलेगा इन सब चीजों को, टमाटर सेमे आलू इन सबका पानी निकलेगा। तो इनको हल्की आंच पर हम पकने रख देंगे, आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, लो कर लेंगे। नमक बिल्कुल ठीक है। अब इसको हल्की आंच पे डलने के लिए हाथ से रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। हमारे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में हमने खोल के भी देखा था कि कहीं लग तो नहीं रहा। देखिए हमारे आलू सेमे तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे से पानी वानी सब कुछ हो गया है। आलू गल गए हैं देखिए अच्छी तरह, सेमे भी गल गए और ये हमारा तैयार है। मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी आलू सेमे तैयार हो गए हैं, ये बहुत ही टेस्टी हैं। आप इनको जरूर से बना के देखिए, बहुत ही आपको टेस्टी लगेगी। इनको पराठों के साथ और घी की मक्खन की रोटी के साथ खाइए, और साइड में अचार दही कुछ भी ले सकते हैं, सलाद। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी, आपको गोश्त को बुला देगी ये सब्जी। ये देखिए ये मक्खन की रोटी के साथ अचार के साथ खाइए। मनपसंद चैनल खाने जामा मस्जिद को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।